सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत यानी संस्कृत व्याकरण रुचिरा में बालक शब्द पढ़ने जा रहे हैं। बालक शब्द उसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। बालक शब्द यानी अकारांत पुल्लिंग संज्ञा सभी पुल्लिंग संज्ञाओं के इसी रूप और इसी प्रकार बनाते हैं। देव भी इसी तरह से चलते हैं बालक की तरह। बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, सूर, असुर, मानव आदि जो है, इन सबको आप राजा भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, आप बालक शब्द की तरह ही लिखने का अभ्यास करिए। बालक रूप इसमें विभक्तियाँ भी हैं और वचन भी हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। जैसा कि आपको पहले बता चुकी हूँ, सात विभक्तियाँ होती है। प्रथमा विभक्ति, बालक बालको बालका। प्रथमा बालकम बालको बालकान। द्वितीया बालकेन बालकाभ्याम बालके। तृतीय विभक्ति बालकाय बालके बालकेभ्याम बालकेभ्य। चतुर्थी विभक्ति बालकात बालकेभ्याम बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति बालकाय बालका बालकयो बालकानाम। षष्ठी विभक्ति बालके बालकयो बालकेषु। सप्तमी विभक्ति इसी प्रकार संबोधन है, हे बालक, हे बालको, हे बालका। ये हमारी सात विभक्तियाँ हैं। इसी तरह आपको बालक शब्द की तरह राम शब्द रूप भी लिखने और बनाने का अभ्यास करना है। बालक शब्द को भी कॉपी में करना है और दूसरा प्रश्न राम शब्द को भी कॉपी में करना है, साथ में याद।